करने के बाद सबसे पहले मैं हमारे सोलापुर की जनता से आह्वान करना चाहूँगा कि फॉर्म मैंने मेरे अपने लिए नहीं भरा हूँ, ये फॉर्म मैंने आप लोगों के लिए भरा हूँ। तो प्लीज़ कृपा करके, मेहरबानी करके आप लोग इस बार मत चूकिए, क्योंकि यहाँ की जो हालत है वो अब देखी नहीं जा सकती, बर्दाश्त नहीं हो सकती। तो बदल करने के लिए मैंने जो कदम उठाया हूँ उस कदम में मेरे साथ चलिए और हम सब मिलके एक नया सोलापुर बनाएंगे। ऐसा काम करने के लिए हमको 21 तारीख के मतदान के दिन काम करना है। मैं यही आह्वान करना चाहूँगा हमारे तमाम सोलापुर के वोटर से, जितने भी वोटर से सोच समझ के वोटिंग करिए और अपना उम्मीदवार सही से चुनिए। और इसके साथ साथ मैं हमारे पूरा पत्रकार बंधु, प्रेस मीडिया सबका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। इन्होंने इतने अच्छे से हमारे ये रैली को कवर किया और हमेशा से ही आप लोगों का सपोर्ट रहा है। आप लोग हमारे हर कार्यक्रम को कवर करते हैं विदाउट एनी मैं बोलूँगा कोई भी भेदभाव करते हुए, कोई बड़ा पक्ष या छोटा पक्ष ऐसा कुछ नहीं समझते आप लोग। तो मैं आप लोग का भी बहुत आभारी हूँ और ऐसी आशा करता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही हमारे सपोर्ट में हमेशा हमारे साथ।